सरप्राइज का नाम कि क्या है। गाइस वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम रोहित कुमार और स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के साथ। अभी बज रहे हैं लगभग 8:30। पहले स्टार्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं आज जिम लेट गया था, तो इस वजह से मैं लेट ही आया हूँ, तो थोड़ा इस वजह से लेट हो गया मैं, वरना मैं जल्दी कर देता हूँ। और आप देख पा रहे हो कि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा चमक सी आ रही है, तो ये चमक है, दिखाता हूँ मैं अभी आपको कि वो किसकी है। इसकी है ये वाली चमक, क्योंकि आज मौसम खुल चुका है और मौसम खुलने के कारण यहाँ से मैं जो चौक का जाल है वहाँ से रोशनी आ रही है, और रोशनी आने के बाद मेरे चेहरे पर पड़ी सीधी, तो इस वजह से थोड़ा चमक रहा है। तो चलिए मैं छत पर जाके आपको दिखाता हूँ कि आज मौसम खुला है, कम से कम 5-6 दिनों बाद खुला है। आज 5-6 दिनों से तो ऐसा हो रहा था, मतलब गहरा मौसम होता रहा था और काले बादल थे थोड़े। तो मैं चलो छत पे देखता हूँ कि क्या चल रहा है, और आज आपको एक प्लान भी बताना है मेरे को, एक सरप्राइज है जो सरप्राइज हमने बहुत दिनों से सोचा हुआ है, तो वो मैंने आपके लिए बताया नहीं था, ध्यान भूल गया आपके लिए बताना, लेकिन आज मैं बता दूंगा कि वो क्या सरप्राइज है और किसके लिए है। जिसके लिए है वो तो चला गया अपने स्कूल, सो आप समझ रहे होंगे और गैस कर सकते हैं कि वो किसके लिए हो सकता है। तो गाइस मुझे छत पर जाने से पहले ही थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि धूप निकल रही है, लेकिन वो पीली वाली धूप नहीं निकल रही, सफ़ेद वाली धूप होती है वो वाली निकल रही है, लेकिन दोनों बराबर है, बस कलर अंतर है इनमें। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा धूप लगेगी भाई, और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, मतलब ब्रश वश किया हुआ है बस, अपने जो डाइट है वो ली हुई है, दूध भी नहीं पिया हुआ अभी तो मैंने, यार वो डाइट के साथ लेना पड़ता है। ऐसा हो रहा है कभी कभी, मतलब बादल इस पर छा जाते हैं सन पे, तो छाँव हो जाती है, और जब हट जाते हैं तो धूप हो जाती है, ऐसा हो रहा है। तो मुझे तो वो वाला मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है जब ये इसको ढक लेते हैं सूरज को पूरा, और जब वो छाँव होती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को, सच में भाई वो वाला मौसम ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बस। देखो यार ये गंदा हो रहा है, मतलब मैं एक शीशा लेके आऊँगा ऐसे जिससे कि मैं ऐसा वीडियो बना सकूँ। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी लगती है ऐसा वीडियो बनाना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रील्स भी बन जाती हैं, बड़ा वाला शीशा होना चाहिए लेकिन उससे रील्स भी बहुत अच्छी बनती हैं, और ब्लॉग भी ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से। तो लेके आऊँगा, अभी ये तो गंदा पड़ा है, बस एमरजेंसी के लिए लगा रखा है ऐसे ही, बस इसमें आप बाल बाल देख सकते हो ओनली, और कुछ नहीं, हमारा ट्राइपॉड ये पड़ा भाई। वैसे देखूँ आपको मैं बैक कैमरे से मौसम दिखा देता हूँ कि कैसा हो रहा है, मतलब बादल बहुत अच्छे लगेंगे आपको देखने में, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो चल रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से आज, कल से ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, देखो दिखाता हूँ भाई कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे, देखो ये वाला सूरज, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब ब्लॉग बनाना है तो भाई गर्मी सर्दी धूप छाँव बरसात, कितने मौसम के नाम ले दिए भाई, मतलब सारे झेलने पड़ेंगे हमको, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, मैं जा रहा हूँ नीचे अभी, और नीचे जाकर दूध गर्म हो गया होगा, मैं उसको पीऊँगा उसके बाद। तो आज हमारी जो सब्ज़ी है वो दूध में बनेगी तेल की बजाय, देखो दूध रखा और सब्ज़ी कट चुकी है, तो ये पता नहीं कौन सी रेसिपी आई है नई, लेकिन हमारे घर में बन रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, और थोड़ी देर में खा के भी बताऊंगा कि कैसी लग रही है। इनका सिर्फ एक ही काम है रोजाना का, वो है पोंछा लगाना। देखो मतलब मैं इनसे रोजाना कहता हूँ फिर भी नहीं मानते, मतलब रोजाना पोंछा लगाते हैं और कहते हैं तू क्यों नहाता है। भाई नहाना और पोंछा लगाना बहुत अंतर है, लेकिन इनको कौन समझाए। तो घर की साफ सफाई रोज थोड़ी होती है। अच्छा ये यार ये किसी भी चीज़ में अंतर नहीं समझते हैं, कपड़े धोने में नहाने में और पोंछा लगाने में कोई भी अंतर नहीं है इनके लिए, मतलब रोजाना लगाना है इनको पोंछा। और अब तो मेरी चप्पल भी उतरवा ली इन्होंने क्योंकि कहते हैं कि गंदा हो जाएगा। तो चलिए ख्वाहिश में मिलता हूँ आपसे नहाने के और दूध पीने के बाद। सो गाइस मैं नहा के और दूध भी पी लिया हुआ है और खाना भी खा लिया हुआ है साथ साथ में, और जितने भी यहाँ पे कपड़े देख रहे हो ना ये मैंने
सुखवाए हुए हैं भाई, सुखाए तो नहीं है मैंने पूरी तरीके से, लेकिन साथ में सुखवाए हुए हैं। और देखो मम्मी ने ये भी धो दी हुई है, मतलब थोड़ी सी गंदी हो रही थी तो ये भी साफ़ कर दी हुई है मम्मी ने, क्योंकि इसमें अंदर की तरफ जो कचरा पचरा या फिर कुछ गंदगी भरी हुई थी तो वो साफ़ कर दी हुई है। और ये कमरा भी किया था भाई, देखो यहाँ पे मैं अलग खड़ा हूँ और यहाँ पे आते ही भाई स्वर्ग सा लग रहा है, क्योंकि ना फर्श पूरी ठंडी ठंडी हो रही है इस वजह से, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके। मतलब बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते पैर, अंदर आके ही अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको रख देता हूँ। वैसे गाइज मैंने यहाँ पे रख दी हुई है, ये पहले ही इस तरह की, मतलब पहले जैसे सेट थी वैसे ही कर दी हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाता हूँ जो इन्फॉर्मेशन की होती है, जैसे कि पिछली बार बनाई थी वो बोया माइक की, और एक मतलब डिफरेंट वाली वीडियो भी है जेनरिक माइक है। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि इसकी थोड़ी लेंथ कम है तो ये ब्लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। बोया माइक का और जेनरिक माइक का मैंने अंतर भी दिखाया हुआ है, लेकिन अभी वो ब्लॉग डाला नहीं है मैंने, वो डालूंगा मैं थोड़े मतलब 1-2 दिन में डाल दूंगा। और जो मैं आपके लिए सुबह सरप्राइज़ बता रहा था कि वो क्या सरप्राइज़ है, ये तो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, अगले ब्लॉग में बताऊंगा। लेकिन वो किसके लिए है वो आप समझ गए होंगे कि वो प्रशांत के लिए आने वाला है, और हम मतलब थोड़ा बड़ा सरप्राइज़ है वो उसके लिए, क्योंकि वो बहुत दिनों से लग रहा है उसके लिए, मतलब मंगवाने के लिए बहुत दिनों से लग रहा है, तो फाइनली पापा ने हाँ कर दिया हुआ है उसको लाने के लिए। अब थोड़े दिनों में आ जाएगा और मैं आपको बताता रहूँगा उसकी अपडेट्स की क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो सरप्राइज़ का नाम तो मैं तभी बताऊँगा आपके लिए, मतलब अगले ब्लॉग में बताऊँगा सरप्राइज़ का नाम कि क्या है। हमारी नज़र में अच्छी चीज़ है, किसी की नज़र में हो या ना हो, लेकिन हमें उसके लिए लानी है तो लानी है, लेकिन मैं नाम उसका अगले ब्लॉग में बताऊंगा। तो अभी का ब्लॉग मैं करता हूँ एंड एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड सारे लोग हैप्पी रहिए, अच्छे रहिए मेरी तरह। तो चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।